केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बनाया है प्लान 26 और इसका आगाज वो उत्तर प्रदेश से करने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। क्या है प्लान 26 मोदी और शाह का और किस तरह से ये अमल में लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसमें करेंगे हम चर्चा आज का एजेंडा में। तो आखिर बीजेपी का प्लान 26 क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से इसे यूपी में लागू किया जाना है बीजेपी की तरफ से ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है। 26 मई को केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सरकार ने देशभर में अपनी उपलब्धियां गिनाने का कार्यक्रम बनाया है, लेकिन इस मौके पर भी बीजेपी की नज़र यूपी पर ही है। सरकार के इस मेगा कार्यक्रम की शुरुआत यूपी के सहारनपुर से होगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी 26 मई को सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं ने इसके लिए कमर कस ली है और यह माना जा रहा है कि सेना भर्ती मैदान पर यह रैली हो सकती है। पीएम ही नहीं, बीजेपी चीफ अमित शाह भी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और इसके अलावा मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को हर 15 दिन में यूपी का दौरा करने को कहा गया है। और हमारे साथ होंगे अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता और बीजेपी के नेता प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और साथ ही होंगे दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता। इन सबसे हम करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत में देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 2 साल 26 मई को पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सरकार ने देश भर में अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत होगी यूपी से। जी हां, खुद पीएम मोदी यूपी के सहारनपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। वही यूपी जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार यूपी को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत यूपी की जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगा दी हैं। सरकार ने अपने तमाम मंत्रियों को मिशन यूपी में लगा दिया है। सुषमा स्वराज और मुख्तार अब्बास नकवी नोएडा में रहेंगे, अरुण जेटली और उपेंद्र कुशवाहा लखनऊ में, वेंकैया नायडू और जयंत सिन्हा इलाहाबाद जाएंगे, नितिन गडकरी वाईएस चौधरी कानपुर जाएंगे, मनोहर परिकर और विजय सांपला गाजियाबाद, तो सुरेश प्रभु संजीव बालियान और राम माधव मेरठ में रहेंगे, सदानंद गौड़ा और निहाल चंद अलीगढ़ में, जबकि उमा भारती जीएम सिद्धेश्वरा और मुरलीधर राव बरेली में होंगे। इतना ही नहीं, हर मंत्री को 15 दिन में एक बार यूपी का दौरा करने को कहा गया है। आपको बताएं पीएम मोदी तारीखों का खास ध्यान रखते हैं। 2 साल पहले शपथ ग्रहण के लिए 26 मई का चयन भी उन्होंने सोच समझ कर किया था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में भय या पक्षपात के बिना न्याय करूंगा। अब यूपी चुनाव का शंखनाद करने के लिए भी उन्होंने 26 मई को ही चुना है। पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस दौरान 3 रैलियां करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर बीजेपी ने मिशन 2017 की शुरुआत के लिए सहारनपुर को ही क्यों चुना। असल में यूपी की विधानसभा सीट नंबर 1 बेहद इसी जिले में है। शुरू की 7 सीटें सहारनपुर में ही हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था, जिसका फायदा सभी पार्टियां लेने के फिराक में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की 80 में से 71 सीटें मिली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ऊपर से अब तक ये भी साफ नहीं है कि यूपी में बीजेपी किसके चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं उत्तराखंड में हुई सियासी फजीहत ने भी बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी रैलियों के जरिए लोगों को कन्विंस कर पाएगी।
क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे अभी जमीन पर उतर नहीं पाए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए लोगों के पास तमाम सवाल हैं। अनुराग चड्डा, इंडिया 24/7। और हमारे साथ हैं विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के नेता, दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता, अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, बताइए बीजेपी का प्लान 26 है क्या? किस तरीके से इसे आप यूपी में अमल में लाने वाले हैं? अजय जी, कुछ अनुराग जी ने इनपुट दिया होगा जी और कुछ जानकारियां ये और देने वाले होंगे, क्योंकि पार्टी के मुख्यालय से मेरे खड़े हैं। 26 मई को मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। पार्टी ने ये तय किया है कि जो जिस राज्य में का मंत्री है वो अपने राज्य में तो रहेगा ही रहेगा, अपने राज्य के अतिरिक्त उसे 6 अन्य राज्यों में जाना है। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो बारी बारी उनकी जिम्मेदारी तय होगी। और अपने संसदीय क्षेत्र में हर सांसद को, हर मंत्री को उस संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार की। लेकिन जो प्लान हम तक पहुंचा है विजय जी, उसमें यूपी पर बहुत ज्यादा फोकस है। कई केंद्रीय मंत्री यूपी में जबरदस्त तरीके से यहां पर कैंपेनिंग करने वाले हैं। अजीत जी, पूरे देश का प्लान है और उस देश के प्लान में उत्तर प्रदेश के हिस्से पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, 17 में चुनाव है तो सक्रियता और बढ़ेगी, और जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं वहाँ थोड़ी सक्रियता कम होगी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होगी। और कल 19 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं देश भर में जिन राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें बेहतरी की उम्मीद है। उसके बाद के जो चुनाव के राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे ये बताइए कि कौन से पॉइंट से लेकर आप जा रहे हैं यूपी के लोगों के बीच में, उपलब्धियाँ किस तरह की उपलब्धियाँ जिनसे यूपी के लोग उधर फोकस कर पाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से केंद्र की सरकार ने जनहित में जो फैसले लिए जी, जनधन योजना से लेकर के किसान फसल बीमा योजना तक और नीम कोटेड यूरिया से लेकर के उज्ज्वला योजना तक जी, इन 2 वर्षों में भ्रष्टाचार को के खात्मे से लेकर के और जनता से जुड़े, जन सरोकार से जुड़े विषयों को टच करना, उनको लागू करना और उसमें आम जनता की सहभागिता करना, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता होने के नाते सरकार जो फैसले करती है जो जनता तक पहुंचे हैं उसका काम है हमारा पहुंचाना, और उस पे प्रयास में हम लगे हुए हैं। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं। दीपक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। आप देखिए नीतीश यहाँ पर आकर ताल ठोक रहे हैं अब यूपी में, और बीजेपी जिस तरीके से तैयार हो रही है ये समाजवादी पार्टी के लिए। एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए, दीपक मिश्रा जी से सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए भारी मुश्किलें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, बीजेपी की चुनौती को किस तरीके से लेती है समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार की चुनौती मिलने की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बेनकाब हो चुकी है, वैदेशिक मोर्चा, आर्थिक मोर्चा, हर मोर्चे पे असफल है। जब ये सत्ता पे काबिज हुए थे तब 28,000 रुपए का कर्ज था प्रति व्यक्ति भारत पर, आज 41,000 से ज्यादा है। पिछले 13-14 महीनों से लगातार निर्यात घट रहा है, चीन भारत के खिलाफ वीटो ला रहा है, और मजेदार घटना यह है कि उत्तर प्रदेश में इनके कई सांसदों के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं कि भाई आपने इस व्यक्ति को कहीं देखा है जो उनका सांसद है? कई सांसद तो आज तक आगे बात आगे बढ़ाएंगे, जवाब दीजिए इसका। विजय बहादुर पाठक, आखिर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे जब जनता में छवि इस तरह की बन रही है? अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है जनता, अभी भी बच्चे कुचे लोग कर रहे हैं इंतजार, लेकिन कैसे ये इंतजार खत्म होगा? कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे जब कई मोर्चों पर सरकार विफल रही है? अच्छा अजीत जी, नीम कोटेड यूरिया आपको ये ध्यान है, और मैंने तमाम जब आप जी संगम थे, अब इंडिया न्यूज 24/7 है, कि खाद के लिए लाइन लगती थी और रैक लगने तक को लोग सियासत थी। इन 2 वर्षों में आप बता दीजिए खाद के लिए कहीं, दीपक मिश्रा जी सरकार में है, खाद के लिए कहीं संकट उत्पन्न हुआ? ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। कन्फ्यूजन की स्थिति यह है कि किसान फसल बीमा योजना का फैसला केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने कब लिया,
और अभी पिछली कैबिनेट में इस सरकार ने मंजूरी दी, इनको मंजूरी देने में इतना लग गया। आप बात कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सूखा राहत के 8 जिलों का 22 कैबिनेट 22 रेजोल्यूशन अभी कल डिसीजन लिया गया है कि केवल 8 जिले बुंदेलखंड के लिए गए। ठीक है, कई योजनाएं आपकी, उज्ज्वला योजना, गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री ट्वीट करते वापस लेने का जो जिस तरीके से फंड इकट्ठा हुआ है उसका भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बने हुए। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हैं, उनकी सुनते हैं। अनुराग, बीजेपी मुख्यालय की क्या स्थिति है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, सरकार की उपलब्धियों को लेकर? ये किस तरह की चीजें लोगों को परोसने वाले हैं, कैसे लोगों तक ये अपना भरोसा बढ़ाने में लगे हैं? देखिए जी, आपको याद होगा 2012 के चुनावों में जब यूपी की सरकार केंद्र में थी तो जो यूपी कोटे के मंत्री थे उनको भी ऐसे ही प्लान के तहत यूपी में भेजा गया था, लेकिन यूपी की जनता को नहीं लगा कि केंद्र सरकार ने यूपी में कोई काम किया है, जो यूपी कोटे के कांग्रेस के मंत्री उन्होंने कुछ काम किया है, तो उनको पूरी तरह से निराश किया कांग्रेस के नेताओं को, और कांग्रेस की यूपी में सरकार नहीं बनी। और ठीक उसी तरह का प्लान अब बीजेपी का है, और जिस तरीके से 26 मई से इसकी शुरुआत हो रही है तो बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात अजीत यहां पर यह नजर आती है कि जो प्रधानमंत्री की अहम योजना थी आदर्श ग्राम योजना, जितने भी सांसद थे उन्होंने इस योजना पर पलीता लगा दिया। आज की डेट में आप जितने भी गाँव हैं जो सांसदों द्वारा गोद दिए गए हैं उनकी हालत आप देखिए कि किस तरीके से गाँवों की हालत है। खुद प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई थी जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो सभी सांसदों की उन्होंने क्लास लगाई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यूपी के लिए कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास किया। अगर हम बात करें कौशल विकास योजनाओं के तहत कई योजनाओं का वहां पर शिलान्यास हुआ, उनका उद्घाटन हुआ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक नहीं हुआ। जो लाभ सीधा जनता तक पहुंचना चाहिए था वो लाभ नहीं पहुंचा। ये जिम्मेदारी होती है जिले के सांसद की और जिले के जो भी जिले के विधायक होते हैं, लेकिन कोई भी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जो एक बड़ा शो होता है उस शो में सभी अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपने बैनर पोस्टर लगाते हैं, लेकिन जब जनता को लाभ पहुंचाने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का NH-24 को लेकर था, NH-24 का शिलान्यास कर दिया लेकिन अभी तक किसी कंपनी को उसका ठेका नहीं दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री करीब 4 महीने पहले यहाँ पर आते हैं, बड़ा शो करके चले जाते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप भी तो कोई करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें जुड़ा रहा, लेकिन जो बिल्कुल अनुराग सवाल यही है कि नीयत सही होने से और बड़े बड़ी घोषणाएं करने से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू करने की बात करने से, और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे भर से बीजेपी को क्या यूपी में सफलता मिल पाएगी? उपचुनाव में लोगों ने हाल दिखाई है, लेकिन फिर भी बीजेपी यूपी में कैसे फोकस कर रही है जबकि वो लगातार 2 दशकों से सत्ता से दूर रही है उत्तर प्रदेश में? अभी हाल में उसकी क्या चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से बीजेपी कैसे जूझेगी, ये देखिए इस रिपोर्ट में। ये तो तय है कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का टारगेट अब देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी है। 2 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो शुरुआती दौर तो चुनावी फायदे का रहा, लेकिन जल्द ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। पहले दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद बिहार में भी फसीहत हो गई, पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट गई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर पार्टी और सरकार की किरकिरी हुई। खास तौर पर उत्तराखंड में तो कोर्ट से लेकर विधानसभा तक फजीहत हुई। मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगा कि वो अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के चलते राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा और अहम है। यूपी में बीजेपी करीब 2 दशक से सत्ता से बाहर है। बीते लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी नीचे है। पार्टी के सियासी रणनीतिकार जानते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए यूपी में जीत अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। हालांकि यूपी में बीजेपी के सामने तमाम चुनौतियां हैं। बीजेपी के पास कोई कद्दावर स्थानीय नेता नहीं है। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि बिहार में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का दाव उल्टा पड़ गया था। यूपी के धार्मिक और जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। विपक्ष आरक्षण को लेकर संघ और बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों को लेकर घेरने की कोशिश करेगा।
लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे अभी भी जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी भले ही यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन चुनौतियों से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो हमारे साथ हैं दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता, विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के नेता, अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता। विजय बहादुर पाठक जी, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, बहुत सारे सवाल हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है इसमें इस बात का जवाब दीजिए कि अगर सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनानी थीं तो बहुत सारे प्लेसेस थे इस तरह के उत्तर प्रदेश में जहां से वो शुरुआत कर सकती थी, लेकिन सहारनपुर को ही क्यों चुना गया? ये कहा जा रहा है कि यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कैश करने के लिए बीजेपी ने इस जगह को चुना है। देखिए अजीत भाई, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी नसीहतें हैं और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल होने के नाते मैं भी यह मानता हूं कि और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है जी। और जो जनता के सवाल हैं उन सवालों का उत्तर केंद्र में सरकार हमारी है, तो उन सवालों के जो जनहितकारी फैसले लिए गए हैं उन सवालों को लेकर नीचे जाना पड़ेगा, उसके नाते जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए पार्टी ने यह तय किया कि उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा के क्षेत्रों में उसकी सभी विधानसभाओं के अंतर्गत यह कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश में हम 5 से 7 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं है, यानी कि लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं, ये सब है। हमने आपसे पूछा पाठक जी, हमने आपसे पूछा कि अगर उपलब्धियां गिनाने की बात है तो ये शुभ कार्य आप कहीं से शुरू कर सकते थे, लेकिन सहारनपुर को ही जी एक तरफ उपलब्धियां गिनाते हैं, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कैश करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप। ठीक ठीक बात है जो आप, मैं अजीत भाई, मैं आपका जो जो सब प्रश्न है उससे इनकार नहीं करता हूं, और मैं अनुराग चड्ढा का जो इनपुट है उससे भी इनकार नहीं करता हूं। जो विधानसभा का क्रम है वो वहीं से शुरुआत होता है। आप ताल ठोक के इस चीज को कैश करने की कोशिश में है, ये आप कहना चाहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को आप कैश करने वाले हैं? नहीं नहीं, देखिए स्वाभाविक नहीं नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमारा उद्देश्य नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदी जी का प्रोग्राम है और आज उस पर स्थल के बारे में आज अंतिम निर्णय लिया जाना है। कल यह बात चर्चा में थी और अनुराग जी की जानकारी को मैं इनकार नहीं कर सकता, उसमें सहारनपुर भी एक स्थान है, लेकिन उस पर आज अंतिम फैसला होना है कि कहां पर करना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक 26 तारीख को रैली प्रस्तावित है, 31 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है इसमें बहुत सारे आरोप लगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को लेकर। दीपक मिश्रा, ये कहा जाता है कि इस मामले में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामले में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई गुपचुप समझौता है क्या? इस बार विधानसभा चुनाव में उस एजेंडे पर भी काम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा तो सामने दिख रहा है, सहारनपुर से वो उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं, तो क्या एसपी का भी कुछ ऐसा ही एजेंडा है? बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नई सोच के व्यक्ति हैं, जहां सांप्रदायवाद जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और बड़ा बारीक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो फिर नुकसान तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि हम तो पिछड़ों को आगे करने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को विशेष अवसर देकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, यह लोहिया का सिद्धांत है, इस पर समाजवादी पार्टी चल रही है। ये कहने और पर्दे के पीछे की राजनीति में बड़ा अंतर होता है। विजय बहादुर पाठक इस पर कुछ कहना चाहते हैं? हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक की मजबूरी है। पाठक जी बहुत संक्षेप में, पाठक जी बहुत संक्षेप में जी। मैंने कहा कि मंच से समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि 4 मुसलमान हर थाने में तैनात किए जाएंगे, ये लोहिया का सिद्धांत है कि मजहब के आधार पर तैनाती दी जाए। क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडल पर सूची जारी करने के पहले कहते हैं कि अमुक जिले का SSP तैनात कर दिया गया। जो काम प्रशासनिक व्यवस्था का है, मुख्यमंत्री उनकी अनुमति देता है, अब मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर यह बताया जाएगा कि अब ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर रुक गया, किस तरफ जा रही है सरकार? सोशल मीडिया का मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर रहना भी है, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? सोशल मीडिया पर सरकार गलत क्या है? लेकिन जो काम सरकार का है वो सरकार का है, जो तो मुख्यमंत्री सरकार नहीं है क्या? मुख्यमंत्री सरकार है। तो आप दीपक जी, जो सीधा सवाल किया है पाठक जी ने, आप इसे इनकार करते हैं वो रुक जाता है के दल के मुखिया सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि आप जाकर देख लीजिए थानों में
किस किस थाने में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां मैं जल्द कर दूंगा, और मेरे ख्याल से सारे थानों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहां पर इस देश का नागरिक नहीं है। तो इस तरह की राजनीति कहीं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? ठीक है ठीक है, हम इस सवाल पर फिर लौटेंगे। आखिर यूपी में किस तरीके से राजनीतिक दलों का मैदान बना हुआ है, या फिर आगे किस तरीके से वो यहाँ पर जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, और इसमें कौन कौन से मुद्दे जनसरोकारों के होंगे और कौन कौन से मुद्दे राजनीति के लिए यहाँ पर लादे जाएंगे, थोपे जाएंगे। तो बीजेपी का प्लान 26 क्या है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, हमारे साथ दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता और अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हैं। ब्रेक से पहले जो बातें थी, बहुत कम शब्दों में जवाब दे दीजिए आप दीपक मिश्रा, के सांप्रदायिक राजनीति ये कैसे नहीं हुई कि दल का मुखिया पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहता है कि किस थाने में कितने अल्पसंख्यक तैनात हैं, ये हमसे पूछिए, और अगर नहीं है तो हम वहाँ तैनाती करवाएंगे। देखिए, अल्पसंख्यकों को विशेष अवसर देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना यह समाजवादी पार्टी की नीति रही है और अब की नहीं है, यह आशा नंद और लोहिया जी के जमाने से रही है। यानी मुलायम सिंह ने, ठीक है, आपका जवाब मिल गया लगभग, आपका जवाब पूरा हो गया, यानी दोनों पार्टियां इस तरह की राजनीति करना चाहती हैं और करेंगी, खम ठोक कर ये बात कह भी रही है। अभी मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो महिलाओं को ठीक है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा। हम अनुराग चड्ढा के पास चलते हैं। अनुराग, आपने आपकी पूरी लिस्ट बताइए, उत्तर प्रदेश में किस तरह से नाकामी की एक लिस्ट रही है केंद्र सरकार की, बीजेपी की, कई सारी योजनाओं पर वो काम नहीं कर पाई, उसे अमली जामा नहीं पहना पाई, भले ही उसकी घोषणा भर हो गई, ऐसे में उपलब्धियां किस तरीके से गिनाएंगी, यानी जो फेल्योर है और जो उपलब्धियां हैं उनका किस तरह का सामंजस्य होगा, कैसे उससे पार पाएगी बीजेपी, किस तरह का प्लान बन रहा है अभी वॉर रूम में इसको लेकर? देखिए जी, जब भी कोई सरकार की उपलब्धि होती है, कोई योजना होती है जो कागजों में होती है, उसका खूब गुणगान किया जाता है, खूब उसका बखान किया जाता है, उसके फेलियर होने की क्या वजह रही ये सब जनता के बीच में नहीं बताया जाता, केवल जो नजरिया होता है ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये सब हमने किया, चाहे जनधन योजना की बात हो या कौशल विकास योजना की बात हो, तो ये सब तमाम योजनाओं की लिस्ट प्रधानमंत्री ने बनाई है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा जो किसान है वो इस समय मोदी सरकार के विरोधी हैं, चाहे गन्ना किसानों की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है, केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने जो मिल मालिक है उनको पैसा दे दिया, लेकिन मिल मालिकों की जेब में से अभी तक पैसा किसानों की जेब में नहीं आया है। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन बिल पर किसानों का भूमि अधिग्रहण का मामला है, आपने जो गिनाया अभी एनएच का मामला था, बनारस में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उसमें कहां तक प्रगति हुई, बहुत सारे सवाल हैं, अभी यूपी के लोग जज करेंगे कि आखिर पार्टी जो कहती है वो कितना कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग आपका भी, और हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जुड़े थे, साथ ही दीपक मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।